हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 8 जो कि है सोशल साइंस की और क्लास 9th की और 24 जुलाई की। इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या रीजंस थे जो कि आज हमारी फैमिली, नेबरहुड और हमारा जो वर्ल्ड है वो पास्ट और हिस्ट्री से अलग है और आज के इवेंट में अच्छा है पहले से और हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। द कॉज ऑफ प्रेजेंट किस लिए, हमारा प्रेजेंट अच्छा किस लिए, हिस्ट्री की वजह से। और अब जो हमारा प्रेजेंट है ये आगे हिस्ट्री बनेगा जिससे कि हम समझ के अपना फ्यूचर और अच्छा करेंगे। एनी इवेंट, कोई भी इवेंट जो कि हैपन हुआ हो, इज द रिजल्ट, वो रिजल्ट है इवेंट और द अदर का। डेट इज वाई, इसकी वजह से हिस्ट्री का मतलब यही नहीं है कि कुछ जानना पास्ट के बारे में, पर अपने फ्यूचर को भी संभालना और अच्छा बनाना होता है। अब यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे वो इंडिया में 17th सेंचुरी में आए और उन्होंने एक एडवांटेज उठाई कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं है इंडिया में, और उन्होंने इसी का फायदा उठाया और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को गेन करते हुए अपनी किंगडम को आगे बढ़ाया, अपनी अथॉरिटी को इंडिया में इस्टेब्लिश किया। दिस कॉन्साइडेड, इसकी वजह से जो मुगल था एम्पायर वो पूरा ख़त्म हो गया, उसके साथ साथ मराठा, सिख, जाट, नवाब ऑफ बंगाल, अवध जैसे राजा की भी पावर ख़त्म हो गई। दोस फॉर्जनर्स, ये जो फॉर्जनर्स थे ये ट्रेड करने आए थे और बिजनेस करने आए थे, पर इन्होंने विक्ट्री की इन द रेस ऑफ सुप्रीमेसी, यानी गेन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इस्टेब्लिश करके और कंट्रोल किया आधे से ज़्यादा इंडिया को पूरे 200 साल तक। और कई राजा, कई फ्रीडम फाइटर्स इसमें लड़े, जैसे कि मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे जैसे फॉर्जनर्स से, पर वो उनको पूरा क्रश नहीं कर पाए। आफ्टर दिस, इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, जो ब्रिटिश एम्पायर था उन्होंने इंडिया को भी ब्रिटिश में शामिल कर लिया और ब्रिटेन की क्वीन को जो कि विक्टोरिया थी उनको एम्प्रेस यानी रानी बना दिया इंडिया का। ड्यू टू द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो आधे से ज़्यादा इंडिया थी उनके रूल के अंदर आके वहाँ पे यूनिटी फैल गई और इस पॉलिटिकल यूनिटी की वजह से जो कंट्री में ये इस्टेब्लिश हो गई और इंडिया ने अपने आप को थोड़ा पहले से संभाला और वेस्टर्न एजुकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह को डेवलप करा। द वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद एंड विवेकानंद ने डिस्ट्रक्शन किया इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूलर इकोनॉमी को। इनकी वजह से जो इंडिया की सेल्फ सपोर्टिंग रूलर इकोनॉमी थी उसको सपोर्ट हुआ। द डिस्ट्रियस इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश रूल, और जो ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको ख़त्म किया। इसकी वजह से मिडिल क्लास जो था वो ऊपर आया और बहुत डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी खुली जैसे कि प्रार्थना समाज, आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट और INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और लीडर्स और जो रिवोल्यूशनरीज थे जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर और भगत सिंह जैसे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई और इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया। अब ये राजा राम मोहन रॉय की पिक्चर दिखा रखी है, ये महात्मा गांधी है और ये हमारे सुभाष चंद्र बोस की पिक्चर है। इसके बाद हमें दे रखा है कि इस तरह से हम हिस्ट्री को समझकर अपना फ्यूचर गोल्डन बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, पास्ट को भी, जो हमारा प्रेजेंट है उसको भी अच्छा कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, हाउ डज हिस्ट्री इफेक्ट अवर प्रेजेंट एंड पास्ट, हिस्ट्री ने हमारा प्रेजेंट और पास्ट पे कैसे इफेक्ट किया। जो स्टडी करते हैं हम हिस्ट्री की,
इसने हमारे प्रेजेंट और पास्ट दोनों पे इफेक्ट किया, क्योंकि इसकी वजह से एक आदमी जो है जो हिस्ट्री पढ़ेगा उसको आज के वर्ल्ड के बारे में नॉलेज आएगी, और इसकी वजह से जो हमारा प्रेजेंट है उसके बारे में जानकर और फ्यूचर के बारे में जानकर हम अपने फ्यूचर को संभाल सकते हैं, और एनी इवेंट जो कि पहले हुए हैं उनको समझकर हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री सिर्फ मीन्स नहीं है कि पास्ट जानने का, इससे हम अपना फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों अच्छे कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे वो क्यों सक्सीड हो गए इंडिया में अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने में? क्योंकि जो इंडिया था उसमें एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, इंडिया छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो चुका था। इसका एडवांटेज उठाते हुए कि इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्होंने सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर ली अपनी अथॉरिटी। थर्ड क्वेश्चन में हमें रीजंस बताने हैं किनकी वजह से नेशनल मूवमेंट हुआ। फाइनेंशियल डिस्टेबिलाइजेशन, टेकिंग मोर टैक्सेस, पॉलिसी ऑफ डिवाइडिंग हिंदू एंड मुस्लिम, एनफोर्सिंग रिप्रेसिव पॉलिसी एंड डिस्ट्रॉइंग इंडिया सेल्फ सपोर्टिंग रूरल इकोनॉमी की वजह से नेशनल मूवमेंट राइज हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दो फ्रीडम स्ट्रगल हीरोज की पिक्चर लगानी है या फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो मंगल पांडे, मंगल पांडे एक इंडियन सोल्जर है जिन्होंने बहुत रोल निभाया था इंडियन की लड़ाइयाँ जो हुई थी, और आउटब्रेक ऑफ इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 में ये एक तरह से हेड थे और इन्होंने इंडिया की बहुत हेल्प की थी। महात्मा गांधी, ये भी एक फ्रीडम फाइटर है जो कि वॉयलेंस से लड़ते थे विदाउट वेपन। इनका वेपन था वॉयलेंस यानी चुप्पी, जिसकी वजह से इनने ब्रिटिशर्स को बहुत ही परेशान किया और लड़ाई करी। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।